कांग्रेस सरकार बनते ही शुरू होंगी जन कल्याण की योजनाएं। सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने गन्नौर में लहरी सिंह पार्क, गन्नौर बार एसोसिएशन, सब्जी मंडी, पीपली खेड़ा, रेलवे पार्क व स्टेशन, सम्पेरा, अगवानपुर, रामनगर, भोगीपुर, उमेदगर, राजू गली, पबनेरा, घसौली, बेगा, कामी, दतौली, कुरार, टेहा, गन्नौर मार्केट रोड शो एवं भिगान, शिव, राजपुर, लदसौली, ललहेदी खुर्द, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, ललहेदी कला सहित दो दर्जन गांवों में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील की। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि चार साल पहले हुए बड़ौदा उपचुनाव के समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के अन्य नुमाइंदों ने बड़ौदा की जनता से ढेरों लोक लुभावने वायदे किए थे, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी बड़ौदा वासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि बड़ौदा के लोगों को कांग्रेस के न्याय पत्र की गारंटी पर पूरा भरोसा है और गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करेगी। सतपाल ब्रह्मचारी ने कांग्रेस के न्याय पत्र की गारंटियों को बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को साल में 1,00,000 रुपए देंगे, फौज की अग्निपथ योजना खत्म करेंगे और पहले की तरह पक्की भर्ती शुरू करेंगे और भर्ती हो चुके अग्निवीरों को पक्का कराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, हर गृहिणी को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन, गरीब, पिछड़े, दलित परिवारों के लिए 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट की योजना दोबारा शुरू होगी, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनवाने के लिए 3.5 लाख रुपए की अनुदान राशि देंगे, हरियाणा में कच्ची भर्ती नीति को खत्म कर रिजर्वेशन और पेंशन के साथ पक्की भर्ती शुरू होगी, किसानों को MSP की गारंटी देंगे, सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों, मनरेगा मेट को पक्का करने की नीति लेकर आएंगे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, पंचायतों के सरपंचों के अधिकार बढ़ाएंगे। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा, कांग्रेस नेत्री संतोष गलिया, राजेश पहलवान, सुरेश त्यागी आदि मौजूद रहे। धन का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद मेरे साथ है, अभी पूरे कांग्रेस के लीडर साथ में है, हर बिरादरी, हर समाज के, हर धर्म के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आज कौन कौन से गांव का दौरा है? और 25 गांव है, अभी मैं बताता हूँ, ये पूरी माही है, इसके बाद अगला गांव है, 5-6 गांव कर लिए, सुबह रेलवे स्टेशन से शुरू की थी और बहुत जो है मैं अभी आपको दे देंगे। आप बहुत अपार जनसमूह सतपाल ब्रह्मचारी के साथ जिंदाबाद। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी सांसद बनने के बाद? जो ट्रेन नहीं रुकती है उन ट्रेनों को रुकवाना, हमारे भाई रोजगार के लिए दिल्ली आते जाते हैं उनकी सुविधा के लिए मेट्रो सोनीपत तक हो, और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा मेनो प्लस टू है, हम आपको दे देते हैं। उसमें किसानों की आवाज़, व्यापारी की आवाज़, कर्मचारियों की आवाज़, जो हमारे प्रधानों की आवाज़, जितने भी हमारी आशा वर्कर की आवाज़, आप सब समझते हैं, चौकीदार की आवाज़, सतपाल ब्रह्मचारी बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद।